नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, और टॉपिक है विद्यार्थियों के जीवन में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण समस्या, या यूं कहे कि विद्यार्थियों के जीवन में आने वाली समस्याओं का जड़। विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन सभी समस्याओं का जड़ क्या होता है, मूल क्या होता है, आज मैं उस जड़ और मूल की बात करूंगा, और फिर उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, तमाम बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। जहां तक मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे शिक्षाविदों से हमारी बातचीत हुई है, तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस और बातचीत के फलस्वरूप जो चिंतन मंथन के फलस्वरूप जो बात आई है, उन सारी बातों को आपके सामने में मैं शेयर करना चाहता हूं। आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को वह सभी देख सकते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वह विद्यार्थी हो चाहे वह अभिभावक हो, सभी इस वीडियो को देखिएगा और प्रत्येक बिंदु पर गौर कीजिएगा और अपने आप को सुधारने का प्रयास कीजिएगा, अपने बच्चों को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। विद्यार्थियों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो मैं मुख्य रूप से कुल 9 समस्याओं की चर्चा करता हूं, और फिर उस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए इसकी भी मैं बात करता हूं। तो सर, पहले मैं बात करता हूं कि लेजीनेस, विद्यार्थी की एक सामान्य समस्या होती है, एक आम समस्या होती है लेजीनेस। लेजीनेस क्यों होती है, इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, के लिए पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, यदि आप उसको गौर से देखेंगे तो उसको आप देख सकते हैं। तो सामान्य रूप से आप समझिए कि विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का कारण लेजीनेस भी होती है, और लेजीनेस को भी हम दूर कर सकते हैं, इसका भी चर्चा मैं अंत में करने वाला हूं। तो पहला कारण है लेजीनेस, आलस्य। यदि आलस्य को हम दूर करते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फिर जो बात आती है, सेकेंड नंबर पे आती है, वो होती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। विद्यार्थियों में एकाग्रता की कमी होती है, विद्यार्थी किसी, उसका मन जो होता है वो काफी चंचल होता है, वह कभी इधर कभी उधर कभी यहां कभी वहां, तो कंसंट्रेशन के अभाव में बच्चा सही ढंग से अपने वर्क को नहीं कर पाता है। तो विद्यार्थी का कंसंट्रेशन कैसे हो अपनी विषय वस्तु के प्रति, इसका भी जवाब हम आगे देने वाले हैं। फिर तीन नंबर में है, वह है वीक सब्जेक्ट। विद्यार्थी का सारा सब्जेक्ट अच्छा होता है ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, और वीक होने का कारण क्या होता है, निश्चित रूप से उस विषय वस्तु के प्रति उसकी जो लगनशीलता है, जो इंटरेस्ट है, उसका अभाव होता है। तो बच्चे के अंदर जो सब्जेक्ट वीक है, उस वीक को हम कैसे दूर करेंगे, इसकी चर्चा भी हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं, मैंने बताया कि सारी समस्याओं का जड़ मात्र एक है, जिसकी चर्चा हम अंत में करने वाले हैं। फिर है आगे है चार नंबर में लैक इंटरेस्ट इन स्टडी, स्टडी के प्रति इंटरेस्ट का अभाव, रुचि का अभाव। अब जिस चीज में बच्चा का रुचि ही नहीं है, जिस चीज में बच्चा का इंटरटेनमेंट नहीं है, मजा नहीं है, तो उस निश्चित रूप से जो है सो वह काम करने में उसका रुचि नहीं होगा, और जब रुचि नहीं होगा तो निश्चित रूप से उस विषय वस्तु के प्रति जो उसकी पकड़ होनी चाहिए वह पकड़ नहीं बन पाती है। फिर है फेल इन बैड कंपनी। अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट, जिस बच्चे की IQ बहुत बेहतर है उसको भी मैंने देखा है, जो गलत संगति में पढ़ने के बाद जो है सो वह उसका इन्वायरमेंट गलत हो जाता है, और फिर उसमें बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। तो बैड कंपनी में बच्चा, कोई बच्चा जो है सो बहुत जल्दी बैड कंपनी में चला जाता है। मैं अपना खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैं BEd कर रहा था तो मेरा एक दोस्त था, वह बहुत ज्यादा शिखर तलब खाता था। अब चूंकि वो उससे हमारी काफी दोस्ती थी, तो या तो मैं उसके जैसा बन जाता, मैं भी शिखर तलब खाना शुरू कर देता, या मैं शिखर तलब उसको खाना छुड़वा देता। तो मैंने पहले उसको कहा कि भाई यदि तुमको मेरे साथ रहना है, तो क्योंकि काफी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी, तो तुमको शिखर तलब जितना तुम 20-25 दिन में खाते हो उसको थोड़ा कम करो यार, 10 तक ले आओ। फिर वो 10 तक लाया, 10 से फिर मैंने उसको 5 लाया, और अंत में मैंने उसको छुड़वा दिया। तो कहने का मतलब है कि इच्छा शक्ति कमजोर यदि आपके अंदर है तो आप उसके जैसा बन जाते हैं, और यदि इच्छा शक्ति आपका मजबूत है तो उसको अपने हिसाब बना लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बैड कंपनी में जनरली बच्चा जो बैड कंपनी में पढ़ता है, अच्छे से अच्छा बच्चा, और वह जो है सो उसमें बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं, और फिर वह अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूं, अगली उसकी बुराई होती है, वो होता है फॉन्ड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है कि बच्चा जब बुरी संगत में पढ़ता है तो बहुत सारे नशा करना शुरू कर देता है। अब नशा भी दो तरह का होता है, एक तो जैसे कि दारू हो गया,
सिगरेट हो गया या इस तरह का अल्कोहलिक होता है, उसके उसके साथ साथ जो है सो आजकल का जो नया नशा हो गया है, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो भी एक प्रकार की नशा होती है। तो यदि जैसे कि मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन मोबाइल में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपको यदि जरूरत से ज्यादा समय उस पर आप देते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए, आपके आप जिस उद्देश्य के लिए आप वर्क कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो खराबी करता है आपके लिए। तो मतलब मेरा यहाँ पर मुख्य रूप से कहना है कि इंटॉक्सिकेशन यदि गलत संगति में आप पड़ेंगे, तो जैसा वो बच्चा कर रहा है वैसा आप करेंगे, और यदि वैसा करेंगे तो आपका भला निश्चित रूप से नहीं होगा, है ना। तो उसके बाद है डोंट इंटरेस्ट इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यदि आपका पढ़ने में रुचि नहीं है, कंसंट्रेशन का अभाव है, आप आलसी हैं, आप गलत संगति में पड़ चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो जिम्मेवारी है, वो आप सही ढंग से नहीं निर्वहन कर सकते। तो बच्चे के अंदर जब तक उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास नहीं होता है, तब तक वह अपना जो वर्क है, अपना जो काम है, जिस काम को करने के लिए वह आया है, या जो काम उसे करना है, जो उसकी जिम्मेवारी है, उसको वह सही ढंग से नहीं कर पाता है। फिर है 8 नंबर में है डोंट अंडरस्टैंड प्रेजेंट पेरेंट्स स्ट्रेंथ। पेरेंट्स माता पिता का जो क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या ताकत है, उसकी क्या मजबूरी है, वह कितनी तकलीफ से, कितनी मेहनत से, कितनी तकलीफों को सहते हुए वह पैसा इकट्ठा करता है, पैसा अर्न करता है और अपने बच्चे पे खर्च करता है, ताकि इस बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके, यह आभास उसको नहीं होता है, यह भाव उसके अंदर नहीं जागता है, और वह उसका गलत इस्तेमाल करता है। और अंततः 9 नंबर मैंने लिखा है बी रियूड, और वह बच्चा रियूड हो जाता है, बदतमीज हो जाता है, न उसे बड़े छोटों का संस्कार उसके अंदर होता है, न लिहाज सीखता है कि कैसे बड़ों से बात करना चाहिए, छोटों से कैसे बात करना चाहिए, और वह जो है निश्चित रूप से परिवार के लिए और समाज के लिए जो है सो एक कलंक बन के रह जाता है। तो मैं ये 9 बुराइयों की बात किया, तो आखिर ये बुराइयां खत्म कैसे हो, या यह बुराइयां उत्पन्न ही नहीं हो बच्चों में, ऐसा हम क्या करें। तो निश्चित रूप से जहां तक मैंने चिंतन किया है, मंथन किया है, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मेरे सामने जो बात आया है, वो बात आया है लैक ऑफ गोल, गोल की कमी, विद्यार्थियों में लक्ष्य की कमी, विद्यार्थियों के अंदर जो है सो लक्ष्य नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी में ऐसा देखा गया है कि 75% बच्चों में तो लक्ष्य ही नहीं होता है, और यदि बच्चों में कुछ में विद्यार्थियों में लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य जो है सो बदलते फ्लक्चुएट होता है। आज उसका लक्ष्य है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, कल उससे पूछा जाए तो फिर उसका लक्ष्य बदल जाता है। तो यदि लक्ष्य है, एक तो सबसे पहले कि विद्यार्थियों में क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान दीजिए गौर से, इस पाठ को आप सुनिए, चूंकि मैं बात कर रहा हूं समाधान की। जितनी भी समस्याएं बच्चों में होती हैं, सारी समस्याओं का जड़ जो है, कारण है कि लैक ऑफ गोल के कारण जो है, लैक ऑफ एम के कारण जो है, बच्चा जो है सो भटक जाता है। बच्चे के अंदर जो दुर्गुण उत्पन्न होती है, यदि उसके अंदर जो है सो एक निश्चित गोल हो, एक निश्चित लक्ष्य हो, तो वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कार्य करेगा, और फिर इधर ये सब जितनी बातें की चर्चा की, ये फालतू की चीजों में उसका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन एक तो लक्ष्य नहीं होता है, यदि लक्ष्य किसी का होता है तो परमानेंट नहीं होता है। तो लक्ष्य क्या क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कमिटमेंट होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। तो लक्ष्य निर्धारण करने के पहले अपनी पात्रता देख लेना चाहिए कि हम जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उसके योग्य हम हैं कि नहीं। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं इसकी योग्य हूं, तो निश्चित रूप से आप 100% उसमें झोंक सकते हैं, दे सकते हैं, और फिर आपके अंदर जो है सो इस तरह का दुर्गुण उत्पन्न नहीं हो सकता है। गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम टू टाइम उसे याद दिलाते रहना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है, वह झंझावातों के कारण, जिंदगी में जो आने वाली समस्याओं के कारण, वह उसको भूल भी जाता है। लेकिन उसको बार बार याद दिलाते रहना पड़ेगा कि तुम्हारा ये लक्ष्य है, तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें ये करना है। तो यदि उसको लक्ष्य बार बार याद दिलाते रहेंगे,
तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो है तो एक अलग तरह की एनर्जी उत्पन्न होगी। और जैसे रामायण में हमने देखा था कि हनुमान को जाम्बज जी ने जब याद दिलाया कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, तो वह जो है समुद्र को भी लांग गए थे। उसी तरह से बच्चे के अंदर भी लक्ष्य उत्पन्न कीजिए और उसे समय समय पर उसको मोटिवेट कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरित कीजिए। निश्चित रूप से वह बच्चा के अंदर किसी भी तरह का दुर्गुण उत्पन्न नहीं होगा और वो अपने लक्ष्य को फतह करेगा और समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।